अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपने अपने मोबाइल से असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है। इसके लिए आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके मोबाइल में। गूगल ड्राइव आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए, उसके बाद एक गूगल क्रोम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए और स्कैनर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। बेस्ट स्कैनर जो है वो कैम स्कैनर ही है, वो इंस्टॉल करें, वो सबसे बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने गूगल ड्राइव ओपन करनी है। इसमें आपने राइट साइड पे ऊपर आइकॉन पे क्लिक करना है और ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी वाला ईमेल अकाउंट ऐड करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे आप। इसके बाद आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे यहाँ पे। तो लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने बैक जाना है, गूगल ड्राइव ओपन दोबारा करेंगे। तो अब अगर आप चेक करें तो देखें आप अपने यूनिवर्सिटी वाले ईमेल अकाउंट से गूगल ड्राइव पे लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैम स्कैनर अपना ओपन करना है। आपके राइट साइड पे नीचे कैमरे का आइकॉन बना हुआ है, आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है और आपने अपने जो असाइनमेंट आपने लिखी है उसकी तस्वीर लेनी है, उसको एडजस्ट करना है आपने। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन टिक पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये तब तक आपने करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके अगली पिक्चर लेनी है जब तक आप अपनी कंप्लीट असाइनमेंट की पिक्चर्स नहीं ले लेते। हर पिक्चर लेने के बाद आपने कंटिन्यू पे ही क्लिक करना है जब तक कि आपकी लास्ट पिक्चर आप नहीं ले लेते अपनी असाइनमेंट की। इसके बाद आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी टोटल असाइनमेंट वो पीडीएफ फाइल में शो कर देगा। तो आपके ऊपर राइट साइड पे शेयर की ऑप्शन आ रही है, आपने शेयर पे क्लिक करना है और गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट का नाम दे देना है, इसको जो भी आप असाइनमेंट को नाम देना चाहें अपने। असाइनमेंट को नाम देने के बाद आपने क्या करना है, सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी एक फाइल है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो रही है। तो जैसे ही ये गूगल ड्राइव पे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना गूगल क्रोम जो ब्राउजर है आपका वो ओपन करना है और slate.ul.edu.pk पे वेबसाइट पे चले जाना है। स्लेट पे हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हमने वो कोर्स ओपन करना है जिसकी हमने असाइनमेंट अभी गूगल ड्राइव में अपलोड की है। उसके बाद असाइनमेंट ओपन करेंगे हम। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ हमारे पास ऐड सबमिशन की ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक फाइल बनी हुई है सबसे पहले ही, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने अपलोड अ फाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद चूज अ फाइल पे आप क्लिक करेंगे और ब्राउजर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं उसने ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव ओपन की हुई है, हम यहाँ से असाइनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप गूगल ड्राइव में अपनी असाइनमेंट सेव नहीं करते हैं और अपनी डिवाइस में सेव कर लेते हैं, देन आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रही है ऑन माय फोन, इस पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने सेव की होगी अपनी असाइनमेंट वहाँ से जाके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने गूगल ड्राइव में किया तो मैं गूगल ड्राइव ओपन करूँगा और असाइनमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट 2 सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपने अपलोड दिस फाइल पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है।
इसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। और ये ले, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है। तो इस तरह आप मोबाइल के थ्रू अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि आपने मोबाइल के थ्रू अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।